आज हम बना रहे हैं एनर्जी बॉल्स। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो बैटर है वो बहुत स्टिकी है इसका, तो मैं आपको इसकी आज रेसिपी बताती हूँ। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में आती है खजूर और ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स चूज कर सकते हैं। हमने इसमें पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, पीनट और चारों मगज ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स को चॉप और ड्राई रोस्ट किया है। खजूर को हमने देसी घी में 10 से 15 मिनट के लिए कुक किया है। फिर इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको 30 टू 40 मिनट्स के लिए हमने फ्रिज में रख देना है, ताकि हमारे ये एनर्जी बॉल ज्यादा अच्छे बने। कुछ एनर्जी बॉल्स में हमने व्हाइट चॉकलेट को मिडल में रख के बॉल बनाई है और कुछ में हमने बादाम को मिडल में रख के बनाई है। इसके मिडल में आप अपनी मर्जी का भी कोई ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये मेरी मामा ने जो रेसिपी बनाई है ये बहुत टेस्टी बनी है। मैं आप लोग को भी रेकमेंड करूंगी कि आप लोग भी ट्राई करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन एनर्जी बॉल्स के ऊपर हमने कोकोनट की कोटिंग की है। आप अपनी मर्जी से, अगर आपको कोकोनट नहीं पसंद तो आप इसमें वाइट तेल की भी कोटिंग कर सकते हैं। केयरफुली हमने उसको उठा के ट्रे में रख देना है। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, जिस तरह हमने सर्कल किया आप इनको स्क्वायर या रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत फायदेमंद है, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उनको हम ये दवाई की जगह भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं और ड्राई फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं। हम इनको एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख देंगे और फिर इंजॉय करेंगे।